गुज़िश्ता साल कर्नाटक में सियासी तूफान का सबब बनने वाला हिजाब मामला एक बार फिर इम्तिहानात के करीब आते ही बहस का मौजू बन गया है। कर्नाटक के वज़ीर तालीम बीसी नागेश ने जहां साफ तौर पर कह दिया है कि इम्तिहानात के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। इस मरहले में मुस्लिम तालिबात को क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्या वो हिजाब के तनाज़े में उलझकर अपनी तालीम को मुतासिर करेंगी या अपने इम्तिहानात देकर अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाना पसंद करेंगी? यह मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। 9 तारीख एग्ज़ाम्स और इसे हम मत कनेक्ट कीजिए, बच्चों को एग्ज़ाम लेना चाहिए, आज जो क़ानून है उस हिसाब से एग्ज़ाम लेना चाहिए। मैं उस मौक़ूफ़ नहीं हूँ कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम अहम है क्या हिजाब अहम है, मैं इस झगड़े में पढ़ना नहीं जाता। मेरी मुद्दमाना गुजारिश है कि एग्ज़ाम मत छोड़िए और एग्ज़ाम आपको अलग नहीं रखेगा, ये सही बात नहीं है। इसको क्यों इतना प्रॉब्लम बनाई गई है हम जानते हैं, मगर उसका मतलब है कि हम उस मसले को लेकर हम अलग ही रहेंगे, ये कौम को सोचना है। क्या नहीं 100% मुसलमान औरतें यहाँ हिजाब डाल रहे हैं? अहम मगर अपने अपने ज़ाती तौर पर है तो उसको एग्ज़ाम सैक्रिफाइस करना, मैं समझता नहीं कि दानिश्वर जो है।